इस एपिसोड में हम केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्प्रोरी विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड। दे आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन विच द रिसेंट आर द प्रेजेंट लॉसेस इट्स आइडेंटिफाई टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट। दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस एज वी वॉन्ट गेट द रिएक्टेंट बाय। तो इसको देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, अराउंड अस, हमारे चारों ओर, अराउंड अस अंडर गो वेरियस चेंजेस, जो बहुत सारे चेंज को, जिसमें बहुत सारी चेंज आती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस, इसमें से कुछ चेंजेस आर टेम्प्रोरी, जो टेम्प्रोरी होते हैं, विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड, मतलब उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दे आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज, ऐसे चेंज को भौतिक चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब ऐसा चेंज हो किसी मैटर में, किसी सब्सटेंस में, ऐसा कुछ परिवर्तन आपको दिखे और वो कुछ क्षण के बाद फिर वापस उसी अवस्था में आ जाए, तो इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। सेम कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें चेंजिंग आता है, लेकिन चेंज होने के बाद उसमें परिवर्तन वापस वो पहली अवस्था में नहीं आते हैं, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वो परमानेंट चेंज होती है और उसमें वो रिवर्ट बैक नहीं होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो आपने ये चेंज देखा है, फिजिकल चेंज जो टेम्प्रोरी चेंज होता है किसी भी पदार्थ में, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ये चेंज टेम्प्रोरी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।